अब अगर आप भी ऐसी महिलाओं में से एक हैं जो अपने साथ लड्डू गोपाल की मूर्ति को लिए लिए फिरती हैं, ट्रेवलिंग करवाती रहती हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ जा रही हैं तो मूर्ति को अपने साथ ले जा रही हैं, किसी लंबे टूर पे जा रही हैं तो अपने साथ मूर्ति को ले जा रही हैं, तो विश्वास मानिए आपकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है, आपकी स्थिति बड़ी चिंतामय हो गई है साहब। मैं आपको अभी एक मिनट में बता देता हूं कि आपकी स्थिति दयनीय कैसे हो गई है साहब। ऐसी महिलाओं से अगर आप कभी पूछ बैठे कि आप लड्डू गोपाल की मूर्ति को बार बार इधर से उधर ट्रेवल क्यों करवाती हैं, इसका रीजन क्या है, तो विश्वास मानिए इनके पास कोई ठोस उत्तर नहीं है इस चीज का। या तो ये कहेंगी कि ये तो सेवा है एक तरह की जो हम कर रही हैं, भगवान को हम मानते हैं, इससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, अब इसलिए ये लड्डू गोपाल की मूर्ति को इधर से उधर लेके घूमती रहती हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि परमात्मा खुश हो जाएंगे और हमें विराट रूप से दर्शन दे देंगे। परमात्मा कह रहे हैं कि बंधनों से जब तक मुक्ति नहीं पाएगा मैं तुझे नहीं मिलने वाला हूं, और आप बंधनों में जकड़ी हुई हैं कि ये तो लड्डू गोपाल की मूर्ति है, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा भाई है, मैं तो सेवा कर रही हूं, बंधनों में जकड़ी हुई हो। परमात्मा कह रहे हैं कि बंधनों से मुक्ति करो तब मैं तुम्हें मिलूंगा। जिस गोपियों ने तमाम बंधनों से मुक्ति कर दी परमात्मा उन्हें मिल गए, मीरा ने बंधनों से मुक्ति कर दी परमात्मा उन्हें मिल गए साहब, राजा भरत हरि, राजा परीक्षित और आपका ध्रुव, जब इन्हें पता लग गया कि सच्चा पिता परमेश्वर परमात्मा है, मेरे माँ बाप ये नहीं, मेरे माँ बाप तो वो है, परमात्मा की प्राप्ति हो गई और आप उस लड्डू गोपाल की मूर्ति को लिए लिए फिर रही है साहब। इतना ही नहीं, मैंने देखा है बहुत सी महिलाएं लड्डू गोपाल की मूर्ति को स्नान कराएंगी, उसे खाना खिलाएंगी, उसे सुलाएंगी। ये बड़ा चिंता का विषय है साहब। जब तक आप परमात्मा को मनुष्य से तुलना करते रहेंगे कि इन्हें भूख लग रही है, इन्हें सोने का समय हो गया है, इनको शौच करने का भी अब समय हो गया, शौच करवाने तो आप नहीं लेके जाते ना पर लड्डू गोपाल की मूर्ति को, क्योंकि आपको पता है कि ये शौच थोड़ी करेंगे, तो मूर्ति है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक आप परमात्मा को अपने से तुलना करते रहेंगे कि मेरे लड्डू गोपाल को तो भूख लग रही है, इनको खाना देने का समय आ गया है, लड्डू गोपाल खाना खाएंगे, लड्डू गोपाल को खाना खिलाने के लिए जो चाहिए वो यशोदा चाहिए, अब आप यशोदा हो ये समझाइए मुझे जरा, नहीं, भक्त होना पड़ता है उसके लिए। अगर परमात्मा की प्राप्ति आपको करनी है और आपको लग रहा है कि मैं लड्डू गोपाल की मूर्ति इधर से लेके उधर फिरती रहूंगी और परमात्मा खुश हो जाएंगे, विश्वास मानिए आपकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। इस काम को आज ही बंद कर दीजिए। अगर परमात्मा की प्राप्ति आप करना चाहती हैं, भाव उत्पन्न करिए, भक्त बनिए, ना कि दिखावा करिए।